भाइयों बहनों, आपका ये चौकीदार वादों से नहीं, मजबूत इरादों से काम करता है। और मजबूत इरादा है तभी हर माता बहन को गैस का कनेक्शन, घर घर में शौचालय और हर घर को बिजली, ये कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मजबूत इरादा है तभी 2022 तक हर गरीब, हर आदिवासी, हर वंचित शोषित को अपना पक्का घर देने का ये मोदी ने फैसला लिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों को, आदिवासियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करा पाया। साथियों, वरना कांग्रेस ने जिस तरह 7 दशकों से ठगा है, अगर हम न आते, आपने हमें लाया न होता, तो शायद उनकी वो आदतें आज भी चलती होती। यहां राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 10 दिन कोई पूछता है, 10 दिन ऐसे ही 10 दिन खाली पूछो कांग्रेस वालों को, अरे भाई वो 10 दिन का क्या हुआ, ऐसे भागते हैं मुंह छुपा करके। ये जमाना चला गया जब देश की जनता ने आपके झूठ पे भरोसा किया था। देश जाग चुका है, नौजवान, माताएं, बहनें समेत सब कोई अब आपकी हरकतों को पहचान गया है। साथियों, ये तो ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ भी आपको लेने नहीं दे रहे। भाजपा सरकार ने किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई है, लेकिन ये लोग किसानों के लिस्ट देने, सूची देने में, नाम देने में इनके पेट में चूहे दौड़ते, नहीं देते। आज देंगे, कल देंगे, इधर का मांगा है, उधर का मांगा, बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपा से विरोध होगा, मोदी जी से विरोध होगा, कम से कम राजस्थान के किसानों का तो बुरा मत करो, उनके साथ तो अन्याय मत करो। लोगों का विकास न करके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना ही कांग्रेस को सबसे अच्छी तरह आता है। मुझे बताया गया है कि किसानों के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब ये आदिवासी भाई बहनों में उनके अधिकारों को लेकर के अफवाहें उड़ाने लगे हैं। इनकी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जनजातीय समाज के साथियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा।